वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। असी जा रहे हैं गोकुल जिथे कृष्ण जी ने तकरीबन 11 साल 52 दिन पट पत्ते बिताए ने। उन्होंने जगह दिखावे गोकुल आठ वाला ये असी किया है वीर सानू लैके चलिया आ गोकुल घुमाने लई। तो गोकुल जा रहे हैं असी जी सारे जने असी रेडी हाँ आटो के बैठ लगे हैं। हाँ जी जी करते हैं दर्शन गोकुल दे जी। ये आटो वाले वीर ने लए ने 650 रुपए वृंदावन तो गोकुल दे पंज मंदिर ने यह पंजे मंदिर के दर्शन कराऊगा वीर सानू। ये आप पहुँच गए जी गोकुल तो इस जगह पर आटो खड़ी कर देंगे। तो ये पंडित जी ने जी गाइड ने अपनी श्रद्धा के अनुसार इन्हों भेटा दे सकते हो। तो ये सानू उरे लोकल ना गोकुल उरे दर्शन कराएंगे ये पंडित जी। इस अस्थान तो ना गोकुल की यात्रा आरंभ होंगी है जी। तीर्थ में आकर के जय बोलते माता पिता भी खुश होते। ये यशोदा का कुंड है इनके कृष्ण भगवान हुए ना यहाँ यशोदा माई ने लैट्रिन का कपड़ा धोया है कृष्ण भगवान का। अच्छा जी जो कदम पार है वो जो कदम का पेड़ है। अच्छा कदम के पेड़ है कदम का पेड़ ठीक है जी। और एक कदम का पेड़ ये ऊपर है ठीक है जी। यहाँ बैठ करके भगवान ने बंसी बजाई यहीं से यात्रा उठती है यहीं पूरा। और देखो ये भी गुजराती लोग का है यहाँ देश विदेशों का भी धर्मशाला है बाबा गेस्ट हाउस। हाँ कृष्ण भगवान की देखो ये जगह का नाम है नंद चौक जो भादों में जन्माष्टमी आती है नी गोकुल अष्टमी या मटकी को फोड़ते हैं माखन की को कि नंद के आनंद वह जय कन्हैया लाल की जो टीवी में दिखाते हैं ना वो यही दिखाया जाता है। ये बंसीवट है यहाँ से भगवान गौ चराने जाते यहाँ माथा लगाना आधा शीशी नहीं होता है माथा नहीं डूबता है कच्चा भूमि है थोड़ा माटी लगाना 10-5 रुपया हो तो गोलक में छोड़ना चंद्रावली देवी है वो और यहाँ जूते चप्पल छोड़ो वहाँ माटी लगाओ मस्तक लगाना वो चंद्रावली देवी है। सलमान नहीं मुसलमान का मस्जिद नहीं तेली का घन नहीं एक मोची का घन नहीं है एक झाड़ू देने वाला मैटर है ना वो भी 2 किलोमीटर से आता है। ये चारों जातियाँ काम करने आती हैं पर रात को घर बसा करके नहीं रहती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आइए ले लो जो वसुदेव भगवान को लाए ना जेल खाने से यहाँ दे गई यशोदा के घर में बोलो यशोदा माई की जय। ये वो जगह जिथे श्री वासुदेव जी ना श्री कृष्ण जी नू लेके आए सीगे इत्थे रखिया सीगा ये वो जगह है। ये अंदर कैमरा लाउड नहीं हैगा नहीं तो असी कैमरा भी अंदर ले जाते कैमरा उरे तक लाउड आ। ये वो जगह आया जी ये ना तुसी जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हो ये भगवान बलराम जी अते उना दी पत्नी रेवती जी दा कठिया दा अकलौता मंदिर आ दुनिया दे विच 2800 साल पुराना मंदिर आ जी ये जिहदे तुसी दर्शन कर रहे हो।
ये देखो 2800 वर्ष पुराना मूर्ति है, वो लिखा हुआ है 2800 वर्ष। नीचे से देखना एक पत्थर है, शिला है जी। ऊपर से देखना अलग अलग है जी। बलराम उनका घरवाली का नाम है रेवती जी। यहाँ रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ है जी। हर देवता के दो पैर होते हैं जी, इसके तीन चरण है। क्या चांदी का सिक्का लग रहा होगा, वो शेष लाख का है जी। यहाँ का जो लड्डू का प्रसाद मिलता है ना, पहले बच्चों को खिलाया जाता है जी, बाद में तुमको खाने का। ठीक, चलिए। यहाँ कोई भोग नहीं है। ठीक है, नंद के गुरु हैं सांडल ऋषि, उनका रक्त पूरन मासी है, वो नित्यानंद है, वो परमानंद है। क्या झंडा ही लगता है लड़का लड़की के आनंद के लिए। अब सीधा गाड़ी भी चलना जाइए। भी जोड़ा का दर्शन नहीं, ये भूमि से निकला हुआ है। 2800 वर्ष है, कोई कलाकार कारीगर ने मूर्ति नहीं बनाई। इन्होंने औरंगजेब को वापस किया, मंदिर तोड़ लिया या उसको वापस कर दिया। तब से यहाँ मुस्लिम नहीं है, कोई मस्जिद है। प्याज लहसुन अंडा शराब पूरे गांव में नहीं बिकता है। ये बलराम जी का चमत्कार, इनका तीन चरण है देखना, दोनों पैरों के बीच में सिक्का लगा है, वो शेष नाग का पैर। ब्रह्मा विष्णु महेश ये शेष नाग के अवतार है। रामा अवतार में लक्ष्मण थे, कृष्णा अवतार में बलराम। यहाँ जिनके बेटा बेटी होते हैं बच्चों के नाम के डंडे रहते हैं, आजीवन बच्चे खुशी रहते हैं, आरोग्य रहते हैं, लंबी आयु होती है। अभी बच्चों को रोग दुख नहीं आता, पढ़ाई लिखाई आनंद का, कभी काल सर्प दोष बेटा बेटी पे नहीं आता। जिनके बच्चे नहीं है वो बधाई का लगाते हैं, 11 महीना में पुत्र का बधाई होता है, ये आपका आशीर्वाद। झंडा का नियम 201 रुपया, छत्र और झंडा दोनों लगाते हैं बच्चों का, वो 501। लड्डू मिलता है प्रसाद, वो आपके घर जाते हैं। आपकी आत्मा बोले दान करना, नहीं बोले नहीं करना। ये आखिरी मंदिर है, गोकुल धाम पूरा हो गया, वो कृष्ण और ये बलराम दो ही मंदिर। ये मंदिर दे ना बिल्कुल सामने तो फुल दी माला ते फुल चढ़ाने लई मिलदे ने, इत्थों तुसी लै सकदे हो। ये आपां जा रहे हां ना जिहड़ा 84 खंभा मंदिर आ उहदे अंदर नूं जा रहे हां, उहदे दर्शन करन जा रहे हां। आजो तुहानूं अंदरों दिखाउंदे हां 84 खंभा मंदिर, इहदा इतिहास वी दस्सदे हां। इस साइड ते जोड़े वगैरह ला के फिर अंदर नूं चले जाणा हुंदा आ, तो अंदर पानी की व्यवस्था हैगी आ, हाथ पैर उत्थे धो लवे चंगी तरह। ये आ जी 84 खंभा मंदिर। इस मंदिर बारे ये भी कहा जाता है भी जिहड़ा इस मंदिर विच आउंदा ना उन्हूं चारे धाम का फल प्राप्त हुंदा आ। एक उरे ना गल होर कही जाती आ भी जिहड़े इहदे मंदिर दे विच 84 खंभे ने ये कोई गिण नहीं सकता। ये इस तरह डिजाइन होए हुए ने भी ये गिणती इहनां दी हो ही नहीं सकती हैगी। 84 खंभिया की बहुत वधिया मंदिर, पुराना मंदिर बनया होया आ, सांभिया होया देखो उन्होंने बिल्कुल उवें। ये आ श्री उखली प्राचीन मंदिर आ जिथे भगवान लड्डू गोपाल जी नूं श्री कृष्ण जी नूं माता यशोदा ने उखली दे नाल बन्निया सी जी। इहो स्थान आ जी,
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪੀਹਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੱਜ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੱਜਾਂ ਨਾਲ ਪੀਹਣ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਛੱਜ ਨਾਲ ਪੀਹਣ ਕਰਨ। ਉਖਰੀ ਬੰਧਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜੀ। ਦਾਮੋਦਰ ਲਾਲ ਕੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਰਾਮ ਕੀ, ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ ਕੀ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਉਖਲ ਬੰਧਨ। ਕਿ ਦਾਮੋਦਰ ਲੀਲਾ ਹੋਈ ਥੀ, ਦਾਮ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਰੱਸੀ ਕੋ, ਉਧਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਪੇਟ ਕੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਬਾਂਧਾ ਤੋ ਦਾਮੋਦਰ ਨਾਮ ਪੜ ਗਿਆ ਥਾ ਯਾਰ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਬਾਂਧਨੇ ਸੇ 9 ਲੱਖ ਗਾਏ ਕੀ ਰੱਸੀ ਕਮ ਪੜ ਗਈ ਥੀ, ਜੈਸੀ ਰੱਸੀ ਲਾਤੀ ਨਾ ਜੋੜਤੀ, ਤੋ 2 ਅੰਗੁਲ ਕਮ ਪੜ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਤੋ ਸੁਬਹ ਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮਈਆ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੋ ਮਈਆ ਹੱਥ ਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ। ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੰਧਨ ਕਰ ਦੋਗੀ ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਕਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਬੰਧਨ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਉਧਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਮੋਦਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਯਹਾਂ ਪੇੜ ਖੜੇ ਥੇ, 2 ਦਰਖਤ ਥੇ ਯਮਲਾ ਅਰਜੁਨ ਕੇ, ਕੁਬੇਰ ਕੇ ਬੇਟੇ ਥੇ ਜੋ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਮੈਂ ਮਦਰਾ ਪੀ ਕਰਕੇ ਅਪਸਰਾਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨਗਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਨਕੋ ਯਹਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀਆ, ਜਾਓ ਤੋ ਮੂਰਖ ਜੜ ਬਨ ਜਾਓ। ਤੋ ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਲਗੇ ਹਮਾਰਾ ਉਦਾਰ ਕਬ ਹੋਗਾ, ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਜਬ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਲੇਂਗੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪਰ, ਤੋ ਤੁਮਹਾਰਾ ਤੁਮ ਜਬ ਮਾਖਨ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਂਗੇ ਭਗਵਾਨ, ਤੋ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜੋ ਉਖਲ ਸੇ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਮਹਾਰਾ ਉਦਾਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਯਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇੜ ਗਿਰੇ ਤੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਸਕੰਦ ਪ੍ਰਵਾਲ ਬਿਟਪੋ ਕ੍ਰਿਤ ਚੰਨ ਸ਼ਬਦੋ, ਦੋਨੋਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਸਭ ਬ੍ਰਜਵਾਸੀ ਆਏ, ਔਰ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਆਈ, ਤੋ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾ ਯਹਾਂ ਮਿਲਨ ਵੀ ਹੁਆ ਥਾ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦਾਮੋਦਰ ਅਸ਼ਟਕਮ ਪਾਠ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਯਹੀਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸਕੋਨ ਗੋੜੀਆ ਮਠ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੀਪਦਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਯਹੀਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹ ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਭਕਤੀ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਆਨੰਦ ਆਤਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਆ ਪਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਘੁੰਮਣੇ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਨਕੋ ਯਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਤਾ ਹੈ ਉਨਕੋ ਯਹਾਂ ਭਕਤੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਘੁੰਮਣੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਤਾ। ਬੋਲੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਰਾਮ ਕੀ। ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਉਖਲ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਹਮ ਆਪਕੋ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਤਾਈਏ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯੇ ਓਖਲੀ ਹੈ, ਯੇ ਓਖਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਉਖਲ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਥੇ। ਤੋ ਇਹਨੋਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮੇਂ ਕਿਆ ਮੰਗਾ ਥਾ? ਵਰਮ ਦੇਵ ਮੋਕਸ਼ਮ ਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਵਦਿੰਬਾ, ਵਰ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਮੁਝਕੋ, ਨਿਜ ਧਾਮ ਚਾਹੀਏ, ਗੋਕੁਲ ਮੈਂ ਵਾਸ ਚਾਹੀਏ, ਨਿਜ ਮਾਨੇ ਸਵਯਮ ਕਾ ਘਰ। ਯਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਥੇ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਥੇ, ਕਿਆ ਬਣੇ ਥੇ? ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਾ ਲਾਲਾ। ਔਰ ਇਨਕੇ ਘਰ ਮੇਂ 9 ਲੱਖ ਗਾਏ ਥੀ, 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੜਾ ਘਰ ਥਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਖਨ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਗੋਪੀਆ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਤੀ ਤੋ ਮਈਆ ਯਹਾਂ ਮਾਨਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਤੋ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕੇ ਦਿਨ ਘਰ ਮੇਂ ਹੀ ਮਟਕੀ ਤੋੜਦੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ। ਮਾਤਾ ਕੋ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਸ ਕੇ ਹੱਥ ਕੀ ਮਟਕੀ ਤੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਆਜ ਤੁਝਕੋ ਬਾਂਧ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਤੋ ਇਸੀ ਉਪਰ ਸੇ ਬਾਂਧੇ ਥੇ, ਯੇ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਥੇ, ਯੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਤੋ ਮਟਕੀ ਉਪਰ ਹੋਤੀ ਥੀ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਚੜ੍ਹਤੇ ਥੇ ਔਰ ਇਨਕਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ, ਔਰ ਉਪਰ ਮਟਕੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਤੇ ਥੇ। ਔਰ ਯੇ ਦਾਮੋਦਰ ਹੈ, ਯੇ ਦੇਖੋ, ਯੇ ਦਾਮ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਰੱਸੀ ਕੋ, ਉਧਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਪੇਟ ਕੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾਮੋਦਰ, ਔਰ ਯੇ ਨੈਵਿਲ ਹੈ ਨਾਭੀ। ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਾਭੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਖ ਕਾਨ ਆਖ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਕੁਲ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇੜ ਥੇ ਗਿਰਾਏ ਥੇ ਨਾ, ਇਸਕਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕਾ ਜਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਖੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਨਮਾਮੀ ਸਵਰਮ, ਜੈਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਮਾਤਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕਾ ਹੈ, 5,500 ਵਰਸ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਜਾ ਕਾ ਸਥਾਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਣਦੇ ਥੇ ਚਿੰਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿੰਨ ਬਣਾਤੇ ਥੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਤੋ ਯੇ ਸਵਸਤਿਕ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਧ ਗਣੇਸ਼ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕਾ ਸਵਸਤਿਕ ਚਿੰਨ। ਔਰ ਯੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਕਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਅਸ਼ਟ ਕਮਲ। ਯਹਾਂ ਮਾਥਾ ਲਗਾਤੇ ਨਾਗ ਰਗੜਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਯਹਾਂ ਮਾਥਾ ਲਗਾਨੇ ਸੇ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਆਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਜ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਨਾਗ ਰਗੜਤੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਨਾਗ ਰਗੜਨੇ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਚਾਹੀਏ, ਕਿ ਯੇ ਨਾਗ ਤੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਥਾ ਲਗਾਓ ਨਾਗ ਰਗੜਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਦਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ,
कहा जाता भी भगवान श्री कृष्ण जी ना उस दरख्त के उत्ते बैठ के बांसुरी बजाते होंगे सके तो गऊं चराते होंगे सके जी। एक दिन ना भगवान श्री कृष्ण जी ने चक के उरों मिट्टी मूँह के पा ली। माँ यशोदा कहती भी की पाया मूँह के मैं खोल के दिखा। भगवान श्री कृष्ण जी ने जदों माँ यशोदा मूँह खोल के दिखाया ना तो माँ यशोदा ब्रह्मांड के दर्शन होए सके। इसलिए इस जगह ब्रह्मांड घाट कहा जाता है जी। बहुत सोहना स्थान बनया होया जी, यह जमुना के कंढे ते बनया होया आ। पिछले पिछे जमुना बहिंदी आ नाल जंगल आ। जदों ना माता यशोदा ब्रह्मांड के दर्शन हो गए माता यशोदा चिंता हो गई सी। इस तो अगे ना कि चिंता हरण घाट आ भगवान शिव जी का बनया हुआ स्थान आ, तुहानू उहदे भी दर्शन करावांगे, जरूर करो दर्शन जी। आ 20 रुपए की मिट्टी है, वो 50 रुपए की, वो 100 रुपए की। ये मिट्टी किनू गुरु खान जंदी है जी? ठाकुर जी खाना मिट्टी का प्रसाद। अच्छा जी, कहने मां ने मिट्टी से तो बच्चा हुए वो का बच्चा मिट्टी का उसे खिला दो मिट्टी का। ठाकुर जी चंदन करो ले शांति दे दरबार जी। ये पीछे जमुना बह रही है जी, हले पानी घटा बरसातों के पानी बच जाता है। तो ये ना उरे जमुना के कछू बहुत ने, बहुत कछू घूमे ने। आ देखो किन्ने ने, बहुत ज़्यादा कछू घूमे ने ये पानी के उरे। ये आ जी चिंता हरण घाट, जिथे माता यशोदा जी आए थे जी। शिवजी भगवान जी का स्थान है जी ये बनया हुआ। इस स्थान बारे ना ये भी कहा जाता है भी जे तुसी ना इस स्थान के उत्ते एक गड़बा जमुना के जल का शिवलिंग उत्ते चढ़ाने हो तो 1108 शिवलिंग उत्ते जल चढ़ाने का फल प्राप्त होंदा जी। ते नाल शिवजी भगवान का मंदिर भी बनया होया जी। इस स्थान के भी ना पिछले पासे जमुना बहिंदी आ, बहुत सोहना दृश्य आ। पिछले पासे भी बहुत सोहने दरख्त लगे हुए हैं, बहुत सोहना लगता जी। ये मंदिर के पिछले पासे भी ना छोटे छोटे मंदिर बने हुए ने। पिछला पासा मंदिर का भगवान श्री कृष्ण जी की इस गोकुल नगरी की वीडियो थोनू किस तरह की लगी कमेंट में जरूर दस्यो। जेकर चंगी लगी लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो, तो घंटी वाला बटन दबायो जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी का।